देखिए, परसों शाम को मैं कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी से मैं मिला हूँ, और मैंने जो इस्तीफा सितंबर 2017 में दिया था उसके लिए मैंने जोर देकर के कहा, और मेरा इस्तीफा जो है मैंने दिया है, और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से मैंने कहा कि मैं सेहत पूरी ठीक ना हो पाने की वजह से मैं पूरा समय नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए मेरा इस्तीफा होना चाहिए। सर, कुछ खबरें ये हैं कि अलायंस की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और ये मैं सितंबर से ही मैं कह रहा हूँ, और मेरा ये मानना है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो हैं उनको सिर्फ 100% ही नहीं बल्कि 100% से भी ऊपर उनको होना चाहिए, फिट होना चाहिए, और अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष ही अगर 100% से भी ऊपर फिट नहीं होगा तो पार्टी को कैसे आगे लेकर के जाएंगे। तो मैंने इसी सोच से, और ये कोई अभी नहीं बल्कि मैं सितंबर से इस बात को कह रहा हूँ, संभावित नाम का फैसला हाईकमांड करेगी, वो संभावित नाम क्या दिए और क्या हो रहे हैं ये चर्चा सार्वजनिक तौर के ऊपर नहीं करेगी। कांग्रेस, मैं कांग्रेस का एक सामान्य कार्यकर्ता था, हूँ और रहूँगा। अब मैं चूंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते मैंने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए अब मैं राय यहाँ पे सार्वजनिक तौर पे नहीं दूंगा। इससे पहले बतौर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के समय पे मेरी क्या राय थी आप सब लोगों को पता है।